इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ हलान्या बेदी। जो लोग दिल्ली में रहते हैं और रोज़ मेट्रो से सफ़र करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि जब वो मेट्रो से सफ़र करते हैं तो हमने देखा है मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जो ऑफिस टाइमिंग है उसमें मेट्रो में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। आपको अगर आपको टोकन लेना है तो आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर चेक इन के लिए भी आपको लंबी लाइन के लिए खड़ा होना पड़ता है। लेकिन DMRC जो है वो अब इससे ऐसे लोगों को जो लोग रोज़ मेट्रो से यात्रा करते हैं उन्हें छुटकारा देने वाली है। अभी कहा जा रहा है कि DMRC फ़ोन बेस्ड QR टिकट को सर्विस जो है वो अगले महीने से शुरू करने वाला है। फिलहाल इसकी टेस्टिंग जो है वो चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जून के एंड तक ये जो है टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद लोग मोबाइल से टिकट ले पाएंगे और इसकी मदद से एंट्री और एग्ज़िट भी कर पाएंगे, यानी कि बहुत आसान हो जाएगा। आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा और इस लंबी लाइन में खड़े होने की वजह से आप ऑफिस के लिए, घर जाने के लिए लेट भी हो जाते हैं। DMRC के कॉरपोरेट संचार के अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि फिलहाल जो फ़ोन बेस्ड QR टिकट है उसकी इंटरनल टेस्टिंग जो है वो चल रही है, जिसमें कई चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और कहा यह जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ये सुविधा जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि जुलाई में अगर आप ऑफिस जाएंगे या फिर स्कूल जाना होगा, आपको कहीं भी जाना होगा, तो हो सकता है कि QR बेस्ड जो कोड है इसके ज़रिए आपको एक ऐप है ना वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके बाद जो ऐप बताया जा रहा है गेट टिकट में जाकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट यानी स्टेशन डालना होगा। पेमेंट करते ही QR टिकट जनरेट हो जाएगा और इस QR टिकट को आपको AFC गेट पर लगाना होगा और आप इस तरह मेट्रो में यात्रा कर पाएंगे। और QR कोड भी एक समय सीमा होगी, अगर आप तय समय के बाद एग्जिट नहीं करते तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है आपको इसका देना पड़ेगा। ये DMRC की तरफ से कहा जा रहा है। तो कैसे लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए।